आज 28 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली थी, फिर डेट क्यों टल गया? डेट इसलिए टल गया क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने टाइम लिया है कि उनको जो NSA पे हमने अमेंडमेंट करी है, हमने पिटीशन हमने अमेंड करी है, उस पे उनको रिप्लाई के लिए और समय चाहिए जी, और समय की जरूरत है, और समय की जरूरत है। तो क्या ये तारीख पर तारीख होता रहेगा मैम, या न्याय की भी बात होगी? नहीं, न्याय की बात होगी, न्याय की बात ही हुई है 21 तारीख को भी, तो अभी भी होगी, और मेरा मानना ये है कि 8 मई को फैसला हो जाएगा। बिहार के बहुत सारे ऐसे दर्शक है जो मनीष कश्यप को अपना आइडियल मानते हैं, वो चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द बाहर निकले, क्या उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आइडियल चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दी बाहर आ जाएं, बट देखते हैं अब जैसे प्रोसीजर पूरा चलता है, प्रोसीजर को तो हम नहीं ताप कर आगे जा सकते, तो जैसे ही प्रोसीजर एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर चीजें बेहतर हो जाएगी। एक और बात क्लियर कीजिए मैम, केस को क्लब करना? नहीं, आज कोई चर्चा नहीं हुई, आज सिर्फ इतनी ही चर्चा हुई कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने वक्त लिया है टू फाइल रिप्लाई। मैम एक बात क्लियर कीजिए, मैम एक बात क्लियर कीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार है, कुछ लोग कह रहा है नेता है, कुछ लोग कह रहा है यूट्यूबर है, आखिर में मनीष कश्यप है कौन? मनीष कश्यप आप जैसे हम जैसे आम आदमी है, आम इंसान है, यूट्यूबर है, आप लोग जानते हैं, वो जर्नलिस्ट है, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। आखिर उनको नेता बना दिया जा रहा है, यूट्यूबर बना दिया जा रहा है, पत्रकार बना दिया जा रहा है। इस चीज में तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि ये चीजें हमारी है नहीं, मेरा काम है वकालत काम करना, आपका काम है जर्नलिज्म करना, हम दोनों अपना बेहतर बेहतर काम करें तो हो जाएगा। एक सवाल है मैम, जब इतना बड़ा रासुका लगा दिया गया तो नहीं लग रहा है कि टाइम और टाइम पीरियड और ज्यादा चाह रही है तमिलनाडु पुलिस? देखिए, हमने अपनी सबूत ना हो कि रासुका हम लगाए, हम शायद देखिए अब ये बात तो वो तभी सामने आएगी जब कोर्ट में वो अपना रिप्लाई लेकर आएंगे, उसमें उन्होंने क्या मेंशन करा है, उसी से पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं NSA पर। मैम, कपिल सिब्बल जो है वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, जो भी केस हाथ में लेते कभी हारते नहीं है, तो मैम क्या चुनौतियाँ होंगी इसमें? चुनौतियाँ यही है कि हर कोई हर बारी हर किसी का पहली बार होता है, देखते हैं क्या होता है। इस बार पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे या वो हारेंगे या हम हारेंगे, जो सच है वही होगा। मैम, आपने कभी मनीष कश्यप से ऑफलाइन या फोन पे या कैसे भी बात की? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, उनके 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 जो भाई वगैरह हैं वही हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारी मनीष कश्यप जी से पर्सनली कभी बात नहीं हुई। क्या परिवार के लोगों का क्या दशा है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए? परेशान हैं सब लोग, परेशान हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो रहे हैं, उनके भाई हैं, वो परेशान ही हैं सब। अब सबकी दशा सेम ही है, जो उनके समर्थकों का हाल है वही हमारा हाल है, वही उनके रिश्तेदारों का हाल है। कब मिला हमें? 8 मई का डेट है। 8 मई, हाँ जी। तो उस दिन लग रहा है कि सारा कुछ कुछ हो सकता है? उस दिन हो जाएगा क्योंकि अब उन्होंने टाइम ले लिया है, तो अब वो और डिले नहीं करेंगे, तो 8 मई को हो जाएगा। मनीष कश्यप के जो पर्सनल वकील है और आप है, क्या तैयारियाँ रहेगी 8 तारीख का? सर, कोई पर्सनल वकील नहीं है, वकील आदित्य देशवाल है और क्या मैं तैयारी हूं, हो गया तैयारी सर यही है, बस अब न्याय दिलवाना है, तैयारी हमारी पूरी है। अब जब 8 मई को, हम तो आज भी तैयार थे, आज अनफॉर्चुनेटली अब नहीं आया मैटर, उन्होंने टाइम ले लिया, तो 8 मई को हमें लगता है कि ये हो जाएगा। 8 मई ये केस मर्ज को लेकर, क्लब करने को लेकर आज कोई बात नहीं, आज सिर्फ समय लिया है उन्होंने 8 तारीख तक का, ताकि वो अपना रिप्लाई जो है वो टाइम से NSA पर फाइल कर सके, तो इसलिए अब 8 मई की डेट नेक्स्ट रखी है। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत हमारे पास कई ऑडियंसेस के मेल्स हैं, मैसेजेस हैं फ्रिक्वेंटली कि बहुत सारे एडवोकेट्स सामने आ गए हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली एडवोकेट है कौन हमारे इंडिया, मतलब मनीष कश्यप के जो मेन वकील है वो कौन? मेन वकील कौन? देखिए, मेन वकील का आप सबको पता ही है, मेन वकील आदित्य देशवाल है, उनके साथ मैं हूँ, मेरा नाम रिदम अरोड़ा है, और हमारे जो AOR हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो अनंता प्रसाद मिश्रा है। तो हम तीनों ने मिलकर ही ये मैटर 1 अप्रैल को ही फाइल कर दिया था, बट कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही थी तो वो मैटर लिस्ट नहीं हो पा रहा था। 5 अप्रैल को हमने मैटर मेंशन करा, बट उसके बाद 6 अप्रैल को मैटर आया, उसके बाद 11th को आया, उसके बाद 21st को आया, और उसके बाद आज 28th को आया। तो इसमें डे वन से हम ही मनीष कश्यप का मैटर कर रहे हैं और हम ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे एडवोकेट्स या जो भी कुछ भी कह रहा है, आपको अगर कोई भी चीज़ माननी है आप पहले वेरीफाई कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि पिटीशन में उनका नाम कहाँ पर है, अगर नाम है तो वो मैटर कर लें। कोर्ट में आजकल सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, सब कुछ एवरीबडी कैन सी, इट इज़ ऑल लाइव, तो सब देख सकते हैं वहाँ पर कौन बहस कर रहा है या कौन क्या कर रहा है। बस एक न्यूज़ चल रही है फ्रीक्वेंट सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट कि तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि हम NSA नहीं हटाएंगे और ना ही हम उनको छोड़ने वाले हैं, ना ही FIR बंद होने वाली है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्योंकि मैटर सुबह से जब टेकअप ही नहीं हुआ, तो ये सब बातें बहुत ही बेफजूल की बातें हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैटर बस इतना ही है कि सुबह मैटर आया, वो रीच किया,
पास ओवर हो गया क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु की साइड से कपिल सिब्बल जी नहीं थे। उसके बाद मैटर उन्होंने कहा वो एंड ऑफ द बोर्ड लेंगे। एंड ऑफ द बोर्ड उन्होंने अभी जब हमने लंच टाइम पे मेंशन करा तो उन्होंने कहा कि हमें रिप्लाई फाइल करने के लिए एनएसए का